कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपको अरमान जी की वॉइस इतनी अच्छी लग रही है, आप गाने को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं रात के 10 और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आज गाइस ना मैं चाचू के साथ व्लॉग नहीं बनाऊंगा, गोलू और मैं हम दोनों बनाएंगे। गोलू मैं बता देती हूं गाइस, गोलू मैं नहीं हूं, गोलू हमारा बेटा है जो पीछे कालू भैया का लड़का है, उसका नाम भी गोलू है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पहले मैंने भी सुना था गोलू, फिर मैं समझ गई ऐसे नहीं बोल सकता। चीकू बेटा क्रॉक्स जो आपने पहनी है ना, चप्पल पहन लेना दूसरी, कहीं बच लिया अब इसमें चले जाओ पार्टी में। नितिन गाइस हम इस होटल में ना आज हमें 4-5 दिन हो गए हैं और सीरियसली ये होटल इतना अच्छा है, हमारे मतलब पूरा स्टाफ हमारा जितनी भी पूरी टीम है ना 15-15 लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं। आप थोड़ा पीछे देख लो एक बार कैमरा घुमा दो। तो ये अभी आधे दूसरे रूम में, 2 रूम है ना तो दूसरे रूम में, तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। और जब हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं ना तब भी मतलब हमें बहुत अच्छा एक स्पेशल फील कराते हैं लोग। तो गाइस इस होटल का नाम है हयात, जो की है जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में, तो बहुत ही अमेजिंग होटल है ये। पहले इसके नाम से 3, हाँ तो मतलब तीसरा नाम है इसका ये, बट अभी वाला जो रिसेंट नाम है वो हयात है। तो बस निकलने से पहले ना रूम क्लीनिंग कराने है, क्योंकि हमें सुबह शायद हम 4-5 बजे आएंगे घर यहाँ पे होटल में सोने के लिए, तो थोड़ा रूम क्लीन होना चाहिए। निकलने से पहले एक बार क्लीनिंग करा लेती हूँ फिर निकलती हूँ आगे। तो गाइस अभी ना अरमान जी ने व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाया क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि दोपहर को जो व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाया था ना, तब जब मैं रूम में गई थी ना वो ठंडा हो गया था तो मैंने खा ही नहीं था, तो मेरा मन था दोपहर से खाने का, तो अब खा रही हूँ गरम गरम। क्यों खा ली? फाइनली हमारा जो है टाइम हो चुका है निकलने के लिए, अब हम निकल रहे हैं और साथ में ना हमने एक एक सूट कैरी किया है क्योंकि हमें वहाँ लेट तक रुकना है, तो इसमें जो है अनकम्फर्टेबल हुए तो चेंज कर लेंगे। तो गाइस अभी बस निकल ही रहे थे और नीचे हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर मिली है और हमें पता नहीं था ये 6:30 बजे से नीचे बैठी, तो मैंने अपनी टीम को आज फिर दोबारा बोला मैं कोई वेट कर रहा हूँ तो आप मिलवा दिया करो, क्योंकि देखो ये है तो हम है ना, दोनों को छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि हमने आज साड़ी पहनी हुई ना, तो कहीं गिर वेर ना जाए इसलिए ध्यान से लेके जा रहे हैं। तो गाइस अरमान जी इतने स्वीट है ना, दोनों बार गए मेरे को पायल को ढूंढने के लिए, भी पायल को बिठाया, मुझे भी बिठाया, पायल अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल फील हो रहा है, बहुत स्पेशल फील हो रहा है हमें, कभी कभी कराते हैं वैसे ना, बोलते ना कि आदमी जिताते नहीं है प्यार करते हैं, तो आदमी कभी कभी जिताते हैं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। वो गुड्डू अचानक से देखना घोड़ा कैसे गिर गया, क्या हो गया उसे, है पायल गाड़ी से थोड़ी टक्कर लगी, गाड़ी वाला रुक रहा था वैसे। ठीक है मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है मुझे दिख रहा है, उठ गया थैंक गॉड बच गया यार, बेचारे के अचानक से लगी उसे पैर पूरे पे ना, उठ गया रॉन्ग साइड ले जा रहा था ना ये। भैया इतनी मुश्किल से सोफे पे आके बैठे हैं ना, बहुत ज्यादा क्राउड है बिकॉज ऑफ शादियां बहुत सारी यहाँ पे, लगातार बैंक्वेट है बहुत सारे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई यहाँ बैठना, भीड़ काफी है, भीड़ बहुत ज्यादा। तो पायल ने जो बोला, सोनिका जी ने बोला वही सेम गाइस। इतनी मुश्किल से ना जो है भीड़ को कंट्रोल किया है और कुछ खाने के लिए आया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। भैया अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ेगा छुपके छुपाते हैं। एक
क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भाभी आप कैसे शांत बैठे हो? मैं अभी थोड़ा कुछ खाया पिया ना इसलिए शांत हूँ। आपको पता है मेरा मैं मीडिया से हूँ, इससे कुछ के अंदर है मीडिया। आज तक क्या गाने चला? अरमान मलिक टीम से है, यही रहने दो। 20 दिन बाद है ना, पहचान नहीं आ रहा। तो गाइस फाइनली बारात आ चुकी है, दूल्हा आ चुका है, अब देखते हैं, अब शायद वरमाला होगी। हमें अभी तक स्नेहा नहीं मिली, स्नेहा पक्का कोमल के साथ है। हम ट्राई भी नहीं कर सकते कि स्नेहा के पास जाएं क्योंकि पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ है। तो बारात तो आ गई है, तो एक आधे घंटे में बोला दुल्हन भी आई जाएगी। हैं, एक घंटा? दुल्हन नीचे है ना, वो रूम में होगी ना, वो रूम में इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे वरमाला टीम बुलाएगी तब आएगी। तो ये भाभी सब कैबर की चिंता है ना, मेरे को इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, पायल को ना दो दो बार लाते पड़ रही है अंदर से, मुझे एक तरफ से बच्चे भूखे हैं, बस खाने का वेट करें कि खाना आए तुम कुछ खाए। भाभी अभी आपने बोला था कि हम लोग उठ के जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे सारे हमें चाहने वाले हैं, सारे प्यार करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले खाया था आपने, देखियो। भाभी आपने बताया था कि खाने के एक स्प्रिंग रोल खाया था, वो इसने तेरी बात की थी कि तूने खाया था। हाँ हाँ, आ जाओ। ठीक हूँ ना, थोड़ा सा सैड हो गया, कह रहा है पायल ने बोला जल्दी खाना करो चलना है, कह रहा मम्मी आपने तो कहा था फेरे भी देखूंगा, शक्ल देखो। चीकू कह रहा है फेरे में पढ़वाऊंगा, तो पंडित की जरूरत नहीं है, आप बीच में क्यों आ रहे हो, आप बीच में क्यों आ रहे हो, हमारा ब्लॉग है। चीकू कह रहा है पंडित तो बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे फेरे करवा दूंगा और पूरी रात फेरे देखूंगा, पूरे फेरे देखूंगा भी, करवाऊंगा भी। तो गाइस बहुत ही प्यारे वाले सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं जिनसे हम बात नहीं कर पाए, मिले सबसे, सो मच लव एंड सपोर्ट। प्लीज भैया धीरज भैया, हम लोग ना कुछ लिख के नहीं लाए हैं इस पे, तो पेन है नहीं किसी के पास, तो मैंने लिपस्टिक मांगी है इस पे, एटलीस्ट नाम तो लिख, तो लिपस्टिक से मनमान लिख रहे हैं हमारी तरफ से, इस पे नाम लिख रहे हैं, पता होना चाहिए ना। देखो मिसप्लेस ना होते ना, चीजें मिसप्लेस हो जाती है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसने क्या दिया। हाँ तो आंटी जी मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो दादी जी ना मुझसे मिलना चाहते थे, और ये हमारे हाथी से ही है, मम्मी पापा के साइड के है, मतलब अरमान जी के फादर मदर के साइड के, पायल मम्मी पापा के साइड के। अच्छा 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 अच्छा, पानी पी लो, पानी दोपहर के 2 बज गए, दोपहर की सॉरी गई, रात के 2 बज, रात के 2 बज गए। हमने सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ है, उसके बाद क्या खाया था? सर दर्द हो रहा है बस, उसके बाद हम मैक पफ खाया था। मैं तूने पास्ता नहीं खाया, मेरे को कान में कह रही है तूने तो फिर भी 2 मैकपफ खाया, आते आते पास्ता खूस के आई है, थोड़ा सा खाया था। चलो प्लेट आ गई, इसका मतलब खाना भी आएगा। ये बहुत लेट हो रहा है यार, 2 बज गए, दुल्हन अभी तक आई नहीं है, इतनी लेट एंट्री, फेरे कब करेंगे, विदाई कब करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने, मेरे को ऐसा मतलब जितनी मेरी जानकारी है कि जो विदाई होती है ना वो तारों की छाँव में होती है, पता नहीं अभी तक दुल्हन तो आई नहीं है, अब कब फेरे होंगे, कब वो विदाई होगी, कुछ पता नहीं। भाई कहाँ जा रहे हो? मैं भाभी मैं सोच रहा हूँ आप भी खा लो, मैं भी खा के आ रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, दूसरी बार तुम्हारा तो स्वीटिश का टाइम होना चाहिए। हाँ मैं थोड़ा सा मीठा ले लूँगा। अच्छा, 2 बज गए ना, अगला दिन लग गया ना। हाँ जी हाँ जी, वो तो मैंने कल खाया था भाभी। चलो चलो, नो नो नहीं, चुप करो।
एंट्री नहीं है, सॉरी कोमल की एंट्री हो गई है। जीजू ना बस अभी उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा डायलॉग वायलॉग लेकर ना एंट्री करो, मतलब हमारे थोड़े से शाय है इन चीजों को लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाफट से वरमाला हो जाए क्योंकि जो टाइम होगा ना रहेगा। देख रहे हो चुनिया भी हमें संभालनी पड़ रही है बेटा, ये आप बेटे खाती हो ना तो पति का काम यही है वो करेंगे ना। तो 2:17 हो गए हैं, 4 बजे से पहले पहले फेरे शुरू हो जाएंगे, हम अब वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा हुक्म दे रही है कि हो जाने चाहिए, वेट कर रहे हैं। जाने का टाइम आ गया, मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट चीकू के पापा कह रहे घर चल लो, थक गई हो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो। तो बस घर जाने का चल टाइम आ चुका है, बहुत ही करीब निकल रहे हैं घर के लिए। तो भैया बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बस हमारा तो आशीर्वाद है हमारी बहन के साथ पूरी जिंदगी खुश रहे और कभी उसको कोई भी तकलीफ ना हो। तो बस अभी घर जा रहे हैं, बस बहुत थक गए हैं और अभी टाइम 3 बज गए। चीकू और खेलना है क्या? वो तो सुबह 6 बजे तक खेलेगा, नहीं थकता भाई। और हमारे साथ हमारे भाई हैं बहुत सारे, बचपन में दोस्त है बहुतों ने, बहुत मज़ा किया हमने, खाए पिया और सेफ्टी का पूरा ध्यान इन्होंने किया। और उनका नंबर डालेंगे भैया ब्लॉगिंग में, तो कभी भी PSO बाउंसर कोई भी चाहिए सिक्योरिटी तो फ़ोन कर लेना लड़के को, ठीक है अरुण भाई? जी सर।